अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शहीद ब्लॉग्स की किस्त नंबर 3 पे आपका भाई आपको खुशामदीद कहता है। तो अभी तकरीबन 10 बज रहे हैं, लेट उठा हूँ मैं, कॉलेज जाना है और उर्दू की क्लास मेरी मिस हो चुकी है। तो और करीम भी नहीं मिल रही, दिन का स्टार्ट ही अच्छा नहीं होता ना जब, तो आगे दिन में कुछ कह ही नहीं सकते। तो अभी हम चलते हैं कॉलेज की तरफ, कॉलेज जाके फिर देखते हैं क्या सीन है वहाँ का। तो भाई कॉलेज में आ चुके हैं हम, फेयरवेल करीब है, जिसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो अभी ये खाली रूम देख रहे हैं, ये हमारा है डांस स्टूडियो, फेयरवेल तक हमारा डांस स्टूडियो ये है। तो अभी लम्स, शहीर, अंजला, आशाम, अभी ये सब आ जाएंगे तो हम डांस करेंगे। फिर उसकी बिल्कुल थोड़ी सी झलक आपको दिखलाऊंगा मैं, थोड़ी सी बिल्कुल, ताकि मेरा सीक्रेट ख़त्म ना हो जाए। एस वालों ने चैलेंज रखा है कि भाई वो हमसे ज़्यादा जीत सकते हैं, हम वीडियो वाले हैं। तो अभी एस वालों को दिखाते हैं कि आपका भाई चीज़ क्या है डांस में। हाँ तो भाई आपको डांस की वीडियो दिखाई थी, वो सो कॉल्ड प्रैक्टिस थी हमारी, फेयरवेल हमारी 20th को है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि तब तक बेहतर हो जाएगा डांस। तो वो जो थी वो तफरी क्लिप थी, वैसे कोई खास डांस किया नहीं, लेकिन जो खास के वो आप आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि फिर AS वालों को तो पता चल जाएगा कि आपका भाई डांस क्या कर रहा है। तो इम्तियाज नहीं करो, भाई तंग कर रहे हैं। अभी क्लास में जा रहा हूँ, मेरी इकॉनॉमिक्स क्लास है, इकॉनॉमिक्स क्लास के बाद या तो घर पे मुलाकात होती है या तो इकॉनॉमिक्स क्लास के बाद, ये मुझे मैं कुछ कह नहीं सकता मैं। भाई अभी हम लाइब्रेरी में हैं, ज़िंदगी में पहली बार लाइब्रेरी की शक्ल लेके क्रेडो के पढ़ने नहीं आए, सिर्फ व्लॉग बनाने हैं, डिड इट फॉर द व्लॉग। ये शहीर बैठा हुआ है अभी, ये लम्स बैठ के पढ़ रहे हैं, पीछे अवैस भी बैठ के पढ़ रहे हैं, इतनी खुशी हो रही है ना मुझे, अभी लड़के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे दो लोग हैं, इमाम भाई और अच्छा ये दोनों व्लॉग मैन से शर्मा रहे हैं। हम आप क्या देख रहे हो? नहीं जाओ ब्लॉग, मेरी ब्लॉग देख रहे हैं, पब्लिसिटी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हैदरा के साथ जा रहे हैं खाना खाने, तो खाना खाने वाली जगह पे जाके आपसे मिलते हैं। हाँ तो भाई खाना खाने का सीन था हैदरा के साथ, तो फराज भाई भी आ गया हमारे साथ। अभी हम आए हैं फरहान बिरयानी सेंटर, जौहर में रहते हैं आपका भाई। तो जौहर में जिसने ये बिरयानी नहीं खाई वो कुछ जौहर का नहीं। तो फरहान पे बिरयानी खाने आए हैं, अभी बिरयानी खा के फारे होते हैं, तो फिर उन्हें घर छोड़ेंगे। घर छोड़ने के बाद शाम में अंजला के साथ जाना है मैंने पढ़ने, तो फिर सुबह शाम में मुलाकात करते हैं आपसे। भाई पढ़ने हम आ चुके हैं, अभी हमारे हमरा उसामा भाई हैं। तो पढ़ाई के टाइम पे ब्लॉग्स नहीं बनाने, पढ़ना है 20-22 दिन रह गए हैं CIE के ए लेवल में, लग चुके हैं अच्छे बॉक्स में भाई के लगे हैं, आपके भाई के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पेपर हुए हैं, रिजल्ट जब आएगा तो पता चल जाएगा। तो बस अभी हम जा रहे हैं पढ़ने, तो पढ़ाई के बाद आपसे छोटी सी मुलाकात करेंगे, फिर आपसे ब्लॉग करके बात करेंगे। तो भाई पढ़ लिख के हम वापस आ चुके हैं, अभी हमजा भाई मौजूद है हमारे साथ। यार हमजा भाई वो बंदे हैं जिन्होंने मुझे सारी एडिटिंग वगैरह सिखाई, यूट्यूब पे अगर मैं आया हूँ तो वो सिर्फ हमजा भाई का कमाल है, क्योंकि हमजा भाई लड़का कोई नेक्स्ट लेवल ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, कंप्यूटर का सलाह जो जो कुछ होता है ना वो हमजा भाई से सीखा है मैंने। और बंदे बाहर का भी है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि बाल कटवा लिए जाएँ, क्योंकि कल जाना है मुझे किसी के वलीमे में, उसके बाद फेयरवेल भी आने वाली है, तो लोग अच्छा हो जाए। तो अभी हम जाते हैं बाल कटवाने, बाल कटवाने बाद दिखा देंगे आपका भाई शायद अच्छा लग रहा है। हाँ तो भाई बाल कटवा लिए हमने, नहीं आपका भाई बहुत मन लग रहा है, बाल सही से बने भी नहीं है, बाइक पे ख़राब हो गए थे। तो यार अभी मुझे बाल कटवा के वापस आ रहे थे तो इतनी खुशी हुई थी ना कि आप पाकिस्तानी होने पे। हम बाल कटवा के वापस आ रहे थे तो बाइक का पेट्रोल हो गया था ख़त्म, आउट ऑफ नोवेयर एक अंकल मिल गए थे हमें, उन्होंने कम से कम भी कोई 4-4.5 किलोमीटर बाइक टो करी है, वो अपने घर जा रहे थे काम वाम से, तो उन्होंने 4.5 किलोमीटर हमारे लिए बाइक टो करी है ताकि हमें पेट्रोल पम्प तक पहुँचा दें वो। तो यार इस बात बताने का मकसद ये था कि यार हमने जो अपनी कौम का नज़रिया बनाया हुआ है ना, नज़रिया ख़राब बनाया हुआ है, हमारी कौम बहुत अच्छी है। उन अंकल ने आकर बोला था नहीं, हमने जब शुक्रिया उनको बोला तो बोले नहीं शुक्रिया की कोई बात नहीं, तुम तो हमारे भाई हो। तो ये महाजिर, सिंधी, बलोच, पठान, ये फ़र्क जो है ना ये हम लोगों ने खुद पैदा किया है, पाकिस्तानी पाकिस्तानी, भाई भाई, मुसलमान मुसलमान, भाई भाई। अगर इसी इत्तेहाद के साथ, इसी प्यार मोहब्बत के साथ हम एक दूसरे की मदद करें मुश्किल वक्तों पे, तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा।
तो जो लोग ये सोचते हैं कि यार नहीं यार पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, उम्मीद ख़त्म हो गई है पाकिस्तान से, तो नहीं भाई, पाकिस्तानी कौम सबसे अच्छी, मुसलमान कौम सबसे अच्छी। मुझे फ़ख्र है मुसलमान होने पे, मुझे फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पे। सबसे पहले तो आपको ही फ़ख्र होना चाहिए पाकिस्तानी होने पे, और हम लोगों को अपना नज़रिया बेहतर बनाना चाहिए। लोग बुरे नहीं हैं, हमने लोगों को नज़रिए में बुरा बनाया हुआ है। तो यार उन अंकल ने जो भाई बोला था कि बोला नहीं यार आप भाई हो, तो दिल से खुशी हुई थी मुझे। तो इसी इत्तेहाद के साथ अगर हम चलते रहे तो हमारी कौम इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगी। पाकिस्तान एज अ कंट्री, एज यूनाइटेड कंट्री बहुत तरक्की करेगा। तो हम ब्लॉग का इख्तिताम इसी अच्छे नोट पे करते हैं कि यार आज जैसा हुआ तो हम भी जब हमारा टाइम आए तो हम भी किसी के साथ अच्छा कर दें। तो ऐसी चेन कंटिन्यू रहे, तो बस इसी उम्मीद के साथ हम और इसी ख्वाहिश के साथ हम आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।